हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं चोखी धानी में। आप देख रहे होंगे मेरे बैक साइड में, ये है चोखी धानी और जयपुर की बहुत ही पॉपुलर ये प्लेस है, जहां पर आपको रहने के लिए रिजॉर्ट भी है और खाने के लिए राजस्थानी खाना भी मिलेगा और यहाँ पर कल्चर भी देखने को मिलेगा। राजस्थान आने वाले टूरिस्ट यहाँ पर ज़रूर आते हैं और जो नहीं आते हैं या फिर जो नहीं जानते हैं इसके बारे में आज मेरे वीडियो के थ्रू जान जाएंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए चोखी धानी। चोखी धानी, जिसमें चोखी का मतलब होता है अच्छा और धानी का मतलब बहुत छोटा सा गाँव, मतलब एक छोटा सा अच्छा सा गाँव। चोखी धानी की 11 लग्जरी प्रॉपर्टीज इंडिया और इंडिया के बाहर सर्विस दे रही हैं और 1990 में इसका कॉन्सेप्ट लोकल हेरिटेज और कल्चर को प्रमोट करने के लिए किया गया था। चोखी धानी के गेट से ही आपको राजस्थानी लुक दिखने लगेगा। यहां आपका स्वागत भी बड़े अदब के साथ किया जाता है। चोखी धानी के अंदर आते ही आपका स्वागत होता है जिस वेलकम ड्रिंक से, वो है आपकी राबड़ी ऊनी ऊनी, मतलब गर्मा गर्म राबड़ी से आपका स्वागत होता है जो कि बाजरे और कई सारी चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। बाजरा और क्या क्या रहता है? बाजरे का आटा, जीरा, नमक। बाजरे का आटा, जीरा, नमक इसमें डाला जाता है, गर्मा गर्म है। टेस्ट इसका कुछ मुझे कढ़ी टाइप का लग रहा है, ऐसा लग रहा है, एकदम वैसा ही नहीं है, बट कुल्लड़ में इसका कुल्लड़ का वो सौंधा खुशबू और टेस्ट आ रहा है। अंदर आते ही पूरा विलेज लुक था और छोटे छोटे लैंप से यहाँ लाइट्स जल रही थी। चोखी धानी अपने राजस्थानी कल्चर और खाने के लिए मशहूर है और अब मैं यहाँ के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए यहाँ के राजस्थानी खाने का लुत्फ उठाने जा रहा हूँ। चोखी धानी की असली जगह में आ गया हूँ खाने पीने के लिए और ये है वो जगह, मैं आराम से बैठूँगा। हाय, जमीन पर बैठकर खाने का इंतज़ार होगा। यहाँ पर ये रहा मेरा जो डिनर का, राजस्थानी डिनर का ये टिकट है और 750 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे लगता है और आप चाहे तो राजस्थानी डिनर रिजॉर्ट वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं जो कि 900 का है। वैसे मुझे यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा है, ये मेरी थाली आ चुकी है जो कि पत्ते वाली है। आप यहां लोकल राजस्थानी लोक नृत्य भी देख सकते हैं और अगर आपका मन करे तो आप साथ में डांस भी कर सकते हैं। मैंने 5 डोने यहां पे सजा दिए हैं और पत्तल यहां पे आ गया है और अभी तक जो चीज़ें आई हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये आया है केर सांगरी जो कि बहुत महंगी होती है और इसकी स्टोरी है कि जब ये राजस्थान में अकाल पड़ा था तो कोई सब्जी नहीं मिल रही थी, तब ये था और इसी को बनाया गया था, मतलब इसी की सब्जियां बनाई जाती थी क्योंकि ये जंगली होता था और हर जगह मिल जाता था आसानी से। आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। प्याज इसके साथ ही सलाद तो होता ही है और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका हलवा यहाँ का जो होता है चूरमा, वो चूरमा है। आपको यहाँ पे पकौड़ियाँ मिली हैं गर्मा गर्म, सब चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं। दाल की पकौड़ी है ये और ये तो लोबिया है, ये हर जगह अवेलेबल हो जाता है। चटनी है लहसुन की और धनिया की, दोनों मिली है। ये अभी आई है कि पहले आप ये सब खा लें पकौड़ी, बाकी धीरे धीरे बाकी चीज़ें आती हैं। बहुत ही शानदार है पकौड़ी, तो मतलब दाल की पकौड़ी है, मज़ा आ रहा है खाने में। और अब और भी चीज़ें आ गई हैं, ये प्याज की सब्जी है और ये सरसों का साग है और ये गट्टे की सब्जी है, साथ में बटर मिला हुआ है और चूरमा भी मैं लगातार खाए जा रहा हूँ पर ज़्यादा नहीं खाऊँगा क्योंकि अगर पहले मीठा ज़्यादा खा गया तो पेट भर जाएगा और मैं यहाँ पे दबा के खा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड होंगे और अपना कैरियर बनाना चाहते होंगे,
तो बहुत ही कम टाइम में शेयर मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए आप elearnmarkets.com पर जा सकते हैं और आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप elearnmarkets.com पर जाएं, जहां पर आपको कोर्सेज, वेबिनार्स, फ्री लर्निंग जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। शेयर मार्केट का कोर्स का प्राइस सिर्फ 4720 रुपए है, लेकिन आप इस कोर्स को बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक कूपन कोड लगाना होगा, जिसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चौकीदारी में आप फ्री में मेहंदी लगवा सकते हैं, साथ ही बहुत ही शानदार पपेट शो यानी कि कठपुतली का शो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मैजिक शो भी देख सकते हैं। सबसे खास बात ये है कि इन सभी में आपको देसी स्टाइल दिखेगा। राजस्थान में बाजरा और मोठ काफ़ी पॉपुलर है खाने में, और मैंने यहाँ पर ये मंगाया है खिचड़ा, और इसमें भर भर के घी डाला गया और चीनी भी डाला गया है। खाता हूँ मैं, कैसा है देखता हूँ। मज़ेदार है, घी पूरा एकदम भरा पड़ा है, चीनी के साथ मतलब शुगर के साथ पहली बार मैं खा रहा हूँ इसको, तो एक अलग ही टेस्ट लग रहा है, मज़ा आएगा आपको खाते गर्मा गर्म। यहाँ अलग अलग स्टेट्स के लोकल कल्चर के अनुसार कुछ बिल्डिंग्स भी बनाए गए हैं। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल की जो बिल्डिंग है उसमें मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे खिड़कियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ पे जैसे ये डोरी से इसको किया गया है, बल्ब है इसके अंदर, और दरवाजे आप देखिए, बिल्कुल आपको वो चीज़ दिखेगी। और रूम आप देखिए, बेडरूम है पूरा, और यहाँ पे ये पुराने ज़माने का आपको फ़ोन दिखेगा। जनरली मैं आपको होटल्स वगैरह दिखाता हूँ और उसमें आपको अलग अलग चीज़ें दिखाता हूँ, कैसा होटल का रूम मैंने लिया हुआ है, पर मेरा मन है कि एक नाइट तो यहाँ पे गुजारनी चाहिए, बड़ा ही शानदार एक्सपीरियंस होगा। और जो ज़मीन है वो पूरी मिट्टी की है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये आटा पीसने का ये जो रखा हुआ है, जैसे पुराने ज़माने में पीसा जाता था वो है, और ये आप देखेंगे यहाँ बर्तन भी रखे गए हैं, और बाकी बेड जो पुराने ज़माने में जिस तरह के होते थे वो सारी चीज़ें हैं, पुरानी चेयर है, टेबल है, लाइट्स हैं, पेंटिंग लगी हुई है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, और मतलब शानदार है, और क्या ही बताऊँ, मज़ा आएगा। ये जो आप लिटिल लिटिल रोटी देख रहे हैं ये है बाजरे की रोटी, और ये जो थोड़ी सी उससे बड़े साइज़ में है ये है मक्के की रोटी, और यहाँ पे आप मक्खन भी देखेंगे ना, तो इस छोटे से दिया वाला जो होता है ना उसमें डाल के दिया जाता है, और भर भर के आप मक्खन जितना खाना चाहें खाएं। हमारे यूपी में ब्लैक कलर का गुड़ होता है, जबकि आपको यहाँ पे वाइट कलर का गुड़ खाने को मिलेगा, टेस्ट वैसा ही है। और समझ में नहीं आ रहा है इसको किससे खाऊं मैं, मतलब दाल भी है, प्याज की सब्जी भी है, सरसों के साग से खाते हैं क्योंकि मक्के की रोटी है तो उसको सरसों के साग से ही खाना चाहिए। मज़ा तो ऐसे ही आता है। दूसरा है जो मेरे पास ये बाजरे की रोटी, ये भी बहुत फेमस है राजस्थान में, इसको आप गट्टे की सब्ज़ी से खा सकते हैं और चाहे तो कढ़ी से खा सकते हैं। मैं तो मतलब कंफ्यूज हूँ क्या करूँ, किससे खाऊँ, हाँ इससे खा लेता हूँ, सागरी और केर, सागरी केर की सब्ज़ी से। ये सबसे महंगी है ना, इसलिए ज़्यादा मैं मंगा रहा हूँ बार बार, तो यहाँ पे आए हैं तो पैसा पूरा वसूलें, और सुबह से आज मैं कुछ नहीं खाया था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ पेट भर के खाना। चौकीदानी में आपको खाने की टोटल 20 चीज़ें मिलती हैं, जैसे धनिया की चटनी, लहसुन की चटनी, सलाद, दाल पकौड़ी, प्लेन रोटी, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, बटर, चूरमा, जलेबी, दाल, गट्टे की सब्जी, आलू प्याज की सब्जी, कढ़ी, सरसों का साग,
सांगरी केर की सब्जी, पापड़, खिचड़ा, गुड़ और राइस। और सबसे खास बात, ये सारी चीजें आप अनलिमिटेड खा सकते हैं। यहां पर आप कैमल राइड और बुल राइड कर सकते हैं। हाय, हाउ आर यू? और कई सारी छोटी छोटी देसी गेमिंग एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जिनके बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। राजस्थानी खाने को खाने का भी एक तरीका होता है। ग्वालियर की वीडियो में मैंने आपको वो चीज़ दिखाया था, क्योंकि मैं राजस्थानी भोजनालय में गया था। यहाँ पे मैं आया हूँ, ये देखिए, ये है बाटी। बहुत छोटी सी, लिटिल सी है, और इसको पहले चूर देते हैं अच्छे से, इसको अच्छे से क्रश कर लें, घी भी डाल दें, दबा के घी डालें, कोई दिक्कत नहीं है। अब खाने आए तो खाएंगे। और ये है दाल, इसमें दाल डाल दें, और प्याज की सब्जी भी डाल सकते हैं, और लहसुन की चटनी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये पूरा कॉम्बिनेशन लेके इसको क्रश डालें, और क्रश कर डालें, और साथ ही गट्टे की सब्जी, ये भी राजस्थान में बहुत फेमस है, ये भी इसमें डालें। तो अल्टीमेटली ये मैंने पूरा इसको क्रश कर दिया है, अब इसको खाता हूँ मैं। अच्छे से इसको मिला दें, इसके साथ पापड़ इसके साथ। अच्छा, आप पापड़ खा सकते हैं, चूरमा मज़ा आ जाएगा आपको, और साथ ही चूरमा एक अलग ही, मतलब चीज़ें आपके, मतलब जब मुंह में जाएंगी ये चीज़ें ना, हर चीज़ का एक अलग अलग टेस्ट आएगा और मज़ा आ जाएगा। इसको तरीके से ही खाएं, तभी आपको मज़ा आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बाटी के साथ किसी भी सब्जी को, तो उसका नहीं मज़ा आएगा। राजस्थानी तरीके से खाना है तो यहाँ के कुछ तरीके को फॉलो करें। धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं, शानदार, धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अभी जलेबी भी आ गई, पापड़ भी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। चोखीदानी में मार्केट भी है, और आप यहाँ कपड़े, खिलौने, मसाले और खाने पीने की चीज़ों की शॉपिंग भी कर सकते हैं। मैं तो भूल ही गया था कि खाने के साथ लास्ट में थोड़ा चावल भी खाना चाहिए, और मिलता है मतलब, और मेरे पास कढ़ी बची हुई, मैं कढ़ी ऐसे ही पी रहा था उतनी देर से, मतलब क्या क्या चीज़ों से खाऊं तो ऐसे ही पिए जा रहा था। और ये मतलब अभी चावल मंगाया है, पर थोड़ी देर बाद खाऊंगा, मन कर रहा है बस यही पे, सोने का मन कर रहा है बहुत, मतलब खाए जा रहा हूँ, खाता हूँ। और यहाँ पर बहुत प्यारा सा मंदिर भी है। यहाँ और भी कई सारी एक्टिविटीज और खाने पीने का आनंद आप ले सकते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से कई चीजें अभी यहाँ पर बंद थी। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैं कितना बटर लगता है। मैं मतलब महीने, दो महीने में इतना नहीं खाता हूँ जितना आज ये बटर मैंने खाया है। ये पूरी आप देख रहे होंगे, दिया जो है पूरा भर चुका है इसमें, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, बाती लगा के जला सकते हैं आप, भरा भरा हुआ है ये, पूरा भर के आता है, और मैं इतनी सारी लेके खा चुका हूँ। और ये देखिए, ये केवल मैं, मतलब इसमें इनका कहना है सबका, यहाँ पे जो सर्व कर रहे हैं कि आप खाओ भर भर के, पूरी मतलब अच्छे से आपकी सेवा करेंगे, आपका आदर करेंगे, मनुवार करेंगे कि आप और खाओ, खाते जाओ, और मेरा भी रोकने का मन नहीं कर रहा है, देते जाओ। कढ़ी चावल अब बन चुका है बटर राइस।
और ये नया डिश है यहाँ पे, मैंने अपने से ये मैंने बनाया है, मज़ा आ रहा है। खाना ऑलमोस्ट हो चुका है और कुछ सलाह देना चाहूँगा मैं कि अपने साथ एक पैकेट लेके आइएगा और उसको रख लीजिएगा अपने कोई बैग वैग में, बटर वटर आप ले जा सकते हैं, डाल लीजिएगा। और कोई चीज़ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मैं खाता गया हूँ, कोई चीज़ दिख, कुछ चीज़ें मैं बताया भी नहीं हूँ। यहाँ पे दाल आई थी, गट्टे की सब्ज़ी आई थी और कढ़ी था, और शायद मैं बताया भी हूँ पर मैं भूल चुका हूँ, खोया हुआ हूँ मैं खाने पीने में, इतना ज़्यादा मैंने खा लिया है। और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, कुछ चीज़ें अगर मैं भूल गया हूँ तो आप आके टेस्ट कर लीजिएगा, आप आएंगे तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा ना, मेरे वीडियो से आपको केवल पता चलेगा कि कैसा है, बाकी जब आएंगे तो आपको टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा एग्जैक्टली कैसा यहाँ पे फील होता है और कितना मज़ा आता है। फैमिली के साथ आएँ, फ्रेंड्स के साथ आएँ, गर्लफ्रेंड के साथ आएँ, किसी के साथ भी आएँ, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। अगर आप बच्चों को लेके आते हैं तो आपके बच्चे ऐसे होने चाहिए जो खूब खाते पीते हों, क्योंकि उनके भी 450 रुपीस देने पड़ेंगे, तो आपके वो पैसे ना वेस्ट कर दें कि आपके लिए उनके लिए खाना आए और ज़रा ज़रा वो खाएँ। तो खाते पीते बच्चों को लाइएगा और बाकी अब स्वीट्स बची है, एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा स्वीट्स को साथ लास्ट में खाइएगा, शुरू में खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा, इसलिए उसको मैंने सब साइड रखा हुआ है। गुड़ अलग रखा है, जलेबी अलग रखा है, चूरमा अलग रखा हुआ है, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं वो अलग रखा है। चोखी धानी शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक ओपन रहता है, यहाँ की लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। हाँ, चोखी धानी में आप ऐसे बैठ के आराम से ठंडी ठंडी हवा ले सकती हैं, और ये जो घास होती है ना उसकी यहाँ छत बनी हुई होती है जैसे कि गांव में होती है, और पूरा आप गांव का फील यहाँ पे ले सकते हैं। अभी खा पी के मैं पढ़ चुका हूँ एकदम, और मन कर रहा है कि बस आधे एक घंटे सो जाऊँ। आप सो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। वैसे जनरली यहाँ पे इतना खाली नहीं होता है, कोरोना की वजह से यहाँ पे यहाँ के लोगों का कहना है कि 5% लोग भी यहाँ पे नहीं आए हैं, तो जनरल टाइम में पूरा फुल होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं यहाँ मेला लगता है हर दिन। तो चोखी धानी ज़रूर आए, मज़ा आएगा। चोखी धानी का एंट्री टिकट एडल्ट्स के लिए 750 रुपीज़ है और चाइल्ड के लिए 450 रुपीज़, जिसमें आप पूरा चोखी धानी विलेज घूम सकते हैं और अनलिमिटेड राजस्थानी फूड का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप रिजॉर्ट में डिनर करना चाहते हैं तो एडल्ट के लिए 900 रुपये और चाइल्ड के लिए 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यहाँ 2.5 से 3.5 फिट के हाइट के बच्चे चाइल्ड कैटेगरी में आते हैं। कुल मिलाकर चोखी धानी एक पैसा वसूल प्लेस है जहां पर आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।